तो गाइज गुड मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आर चैनल डी ट्रेड फॉर बिजनेस डी फोबी। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं अपने सिल्वर के लाइव ट्रेड के बारे में। राइट, डी ट्रेड काफी अच्छा है। क्या सिनेरियो है, हमने क्या लिया है, क्या सोच करके लिया है, क्या हमने इसके अंदर में क्या देखा, क्या नहीं, हर चीज़ में आपके सामने इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। कितना रिस्क रेशियो लिया हुआ है, कितना आरआर रखूंगा मैं इसमें, और कितना मैंने फंड यूज किया और कौन सा अकाउंट यूज कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ आपके सामने बताने वाला। राइट, पहली बात आप देख लीजिए, ऊपर आपको दिख जाएगा सिल्वर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। राइट, अब डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो आपको पता है कि मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है। राइट, इसी रेंज में, इसी रेंज से काफी अच्छा हाइक से रिजेक्शन देकर मार्केट नीचे आ रहा है। तो अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है सर? देखो, मेरी एक्सपेक्टेशन नियर बाय इस लेवल पर लॉन्ग जाने की, इस लेवल पर वापस आता मार्केट तो फिर मैं यहाँ से लॉन्ग कर सकता हूँ। इससे पहले मार्केट में सिर्फ शॉर्टिंग पीरियड ही रहेगा। अभी मैंने कहा कि डेली टाइम फ्रेम में तो बड़े लेवल्स को, मेजर लेवल्स को, की लेवल्स को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, बट अभी एक्चुअली के अंदर में जो मेरा लेवल है, कहाँ तक मुझे शॉर्ट करना है सिल्वर को, आज के जो इंट्राडे पर्पस है, बट मैंने नॉर्मल लगाया बिकॉज उसमें एसएल थोड़ा बड़ा है, माइट बी पॉसिबल वो छू करके नीचे आ जाए, मेरे को एसएल हिट कर दे, बट मैंने एसएल नहीं लगाया, क्योंकि वो मैं नॉर्मल ऑर्डर्स पे यूज कर रहा हूं। राइट, तो डेली टाइम फ्रेम, अब एक काम करते हैं, अपने मेजर से माइनर माइनस सपोर्ट रेसिस्टेंस पे चलते हैं गाइस, और उस पर आइडेंटिफाई करते हैं कि अपने माइनर सपोर्ट रेसिस्टेंट क्या है हमारे 4 आवर एंड 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। राइट गाइस, स्टे ट्यून। तो कल गाइस इसी चीज के अंदर में मार्केट, इसी चीज में मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, कल एक स्वीट ब्रेकआउट लिया, पर ब्रेकआउट ऑलवेज भी नॉट द पॉसिबल कि वो आपका एक्चुअल ब्रेकआउट है, आपको वहां एक लास्ट किस लेनी होती है। लास्ट किस का मतलब आप बोल सकते हो कुछ भी। राइट, लास्ट किस का मतलब एक रिट्रेसमेंट, रीटेस्ट को बोल सकते हो, रीटेस्ट को बोल सकते हो, दैट इज योर लास्ट किस। राइट, ओवर हियर, तो लास्ट किस लेने के लिए आपको मार्केट में प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए। सर, ये तो लास्ट किस देख नहीं रही है, तो 4 घंटे में एनालिसिस नहीं है गाइस, एनालिसिस 2 आवर, 3 आवर, 2 आवर एंड 1 आवर जनरली टाइम फ्रेम पे मैंने यूज किया हुआ है गाइस। राइट, तो अगर मैं यूज करूं, अब मैं यहाँ 2 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर लेता हूं, ठीक है, 2 आवर का टाइम फ्रेम यूज करता हूं, मार्केट अच्छा खासा बोले बेरिशनेस दिखाया। राइट, तो गाइस अभी आप देख सकते हो। राइट, तो अभी अपने पास में क्या बोलते हैं, यहाँ एक अच्छा खासा एक दो टच तो आपको यहाँ मिल गए और एक दो टच यहाँ मिल गए, तो बेसिकली सपोर्ट रेसिस्टेंट तो अपना बन गया, ऑलरेडी दिख रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में, एक रिट्रेसमेंट लिया मार्केट ने, एक अच्छा खासा लास्ट किस दिया है, पर हम इसे लास्ट किस कंसीडर नहीं करेंगे गाइस। लास्ट किस का मतलब होता है कि लास्ट किस देने के बाद मार्केट आपको एक बेरिश कैंडल है कुछ ऐसा दिखाए, फिर आप ट्रेड करते हैं। राइट, तो मैंने इस ब्लैक कैंडल पर ट्रेड लिया हुआ है, इस ब्लैक कैंडल पर ट्रेड लिया है, तो मेरा स्टॉप लॉस एंड ऑल क्या रहेगा गाइस, मैं आपको अभी बता देता हूँ। राइट, ये फॉरेक्स का चार्ट है गाइस, ये मैं समझिए कि मैं फ्यूचर का स्पॉट का चार्ट लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा स्टॉप लॉस नियर बाय गाइस मैंने इधर लिया हुआ है। राइट, तो मेरा स्टॉप लॉस नियर बाय इस वीक रिजेक्शन थोड़ा सा ऊपर मैंने रखा हुआ है, 1:1 का ट्रेड में ऑलवेज करता, तो 1:1 का टारगेट मेरा नियर बाय इस वीक तक का है, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत मुझे ऊपर नीचे 20-30-50 रुपए का मुझे लॉस चल रहा है, क्योंकि मैंने एक ही छोटा मिनी लॉट लिया, बिकॉज क्या कि ना मार्केट अभी जब तक आपका स्टेबल नहीं हो जाता है, एक्चुअली एक्यूरेट नहीं हो जाता, तो उससे पहले आप मेगा लॉट की तरफ नहीं बढ़ सकते। राइट, तो मैंने थोड़ा रिस्क कम लेते हुए इस चीज को लिया। राइट, यहाँ पहले से सिल्वर का मैंने बता दिया, अब गाइस चलते हैं अपना किसमें, क्या नाम है इसका, अपने डीमैट अकाउंट में जहाँ हमने ट्रेड लिया हुआ। राइट गाइस, आप इसे कह सकते हैं जीरो था तो रहेगा ही ना, ये जीरो था गाइस, ठीक है। ये अपना अभी होल्डिंग है, उसे होल्डिंग रहने दो, ठीक है। होल्डिंग के ऊपर दो शेयर लिए मैं, सर लीव द राइट नाउ। ये अपना गाइस अकाउंट चल रहा है अपना सिल्वर फरवरी एम, मैं ऑर्डर दिखा देता हूँ, जस्ट अभी पंच किया मैंने 10:32 टाइमिंग देख लीजिए, टाइमिंग देख लीजिए 10:42 में, जस्ट अभी 10 मिनट्स पहले ही ऑर्डर पंच हुआ, मतलब एग्जीक्यूट हुआ है, और ये चीज है गाइस, ठीक है। तो अभी अपना पोजीशन है, नॉल क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है अपना 20 रुपीज़ का राउंड ऑफ चल रहा है। अब मैंने इसके अंदर प्राइस कैसे कूट किया, कहाँ इतना कितना लॉस लिया, कितना नहीं, पहले आप मैं फंड दिखाता हूँ। मेरा फंड है 1,02,07,000 का ओपनिंग बैलेंस, मतलब 2,70,000 का मेरा नेट प्रॉफिट नेट वो है। तो इसका अगर मैं मान के चलूँ, तो मैं इंट्राडे में आपको पता है कि इंट्राडे ट्रेड है, तो इंट्राडे में हार्डली मैं 2,70,000 का कितना लॉस ले सकता हूँ, नियर बाई 2%, 2% 5,400 डिवाइडेड बाई 1 लॉट 5 का होता है, तो मैंने 1,000 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मैं इधर रख सकता हूँ गाइस, ठीक है। तो मैंने क्या लिया है, क्या नहीं, वॉल्यूम मेरे फेवर में था गाइस, तो वॉल्यूम का फेवर था तो और भी अच्छी बात है गाइस, ठीक है। काफी बार आर्टिफिशियल वॉल्यूम क्रिएट होती है, बट कोई नहीं, लेट इट बी कंसीडर। ये गाइस मार्केट अभी नीचे नहीं है, मार्केट हमेशा ऐसे सीधा नहीं चलता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो भी डाली है आपके लिए कि मार्केट हमेशा यूं चलता है गाइस, ठीक है। कैसे चलता है मार्केट, यूं चलता है या मार्केट यूं उठता है, ठीक है। तो मार्केट यूं गिर रहा है, राइट, गिरने वाले फेज में हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, हम यहाँ क्या करेंगे, लाइन चार्ट को यूज करेंगे थोड़ा सपोर्ट रेसिस्टेंट को और आइडेंटिफाई करने के लिए। राइट, तो मैंने क्या किया, इसके नीचे 2 लाइन्स को मैंने सपोर्ट मान के चल रहा हूँ, ठीक है, और 2 लाइन ऊपर रेसिस्टेंट मान के मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने वही चार्ट जैसे फॉरेक्स में था, वही चार्ट मैंने यूज किया था, और अभी मैंने इसी के ऊपर लास्ट किस पे ट्रेड किया, बट वो लास्ट किस मेरे को फॉरेक्स में मिला, यहाँ नहीं मिला, क्योंकि आइडेंटिफाई, देखो फ्यूचर के ट्रेड को आप देख करके कभी आइडेंटिफाई करके ट्रेड नहीं कर सकते। राइट, और फिर मैंने गाइस इधर लिया है अपना कैंडलस्टिक, और मैंने मुझे पता था कि नियर बाय 400 तक तो जाएगा, तो मैंने 380 के ऊपर अपना टारगेट सुबह सुबह लगा करके छोड़ दिया, नियर बाय 400 में मान के चलूँ। तो मैं इसकी फिगर्स को चेंज कर लेता हूँ, कोऑर्डिनेट्स को, मैंने लिया हुआ है ट्रेड 90 से, ठीक है, 90 से मैंने ट्रेड लिया है, और स्टॉप लॉस नियर बाय, सॉरी स्टॉप लॉस नियर बाय 1,000 पॉइंट का रखने वाला हूँ। तो मैं नियर बाय में सोचे चल रहा हूँ, मैं सोचे चल रहा हूँ कि मेरा जो स्टॉप, सॉरी एक मिनट रुकिएगा गाइस, मैं यहाँ दोबारा लगा देता हूँ, ये मान के चलिए, और मैंने अपना स्टॉप लॉस नियर बाय इस वीक रिजेक्शन के थोड़ा ऊपर बनाया है, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर बनाया, तो नियर बाय 807 पॉइंट्स का टारगेट है, और 807 पॉइंट्स नियर बाय गाइस ये, तो मैंने अपना लॉस जितना लिया उतना ही मैं प्रॉफिट लेने के योग्य प्राप्त रहूंगा। राइट, तो मतलब 852 भी करो तो नियर बाय 4,260 रुपये का मेरा टारगेट इसके अंदर में है गाइस। तो अभी देखते हैं कितना प्रॉफिट चल रहा है कितना नहीं, तो अभी गाइस मैं आपको दिखाता हूं मेरा पोजीशन क्या है। अभी पोजीशन 70 रुपये का पॉजिटिव नेस चल रहा है, पूरा प्राइस एक्शन थ्रू लिया, प्योर प्राइस एक्शन। मैं हमेशा नेकेट ट्रेडिंग करता हूं, नेकेट ट्रेडिंग का मतलब होता है कि मैं अपने चार्ट पे कभी भी कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता, टू फ्रेंड गाइस मैं आज पीवीएट्स यूज नहीं किया, वन टाइम एनालिसिस कर रहा हूं, और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने ट्रेड किया हुआ है। तो मैं बिल्कुल भी कोई भी ट्रेड अपनी लाइफ में आज तक, बोलते हैं ना कि आप ट्रेड करो धीरे धीरे सीखो, पर मैंने नेगेटिव ट्रेडिंग करता हूँ, नेगेटिव ट्रेडिंग का मतलब जब चार्ट पे कुछ नहीं होता, देयर इज नो इंडिकेटर्स। राइट, अब मैं आपको यहाँ दिखा तो नहीं सकता इंडिकेटर क्या है क्या नहीं, दैट इज माय जीरोधा अकाउंट, ठीक है। तो 105, 115 रुपीज़ का टारगेट है नॉल, तो ये चलने दो, अभी यह चल रहा है, चलने दो, काफी अच्छा ट्रेड है। तो
तो अभी गाइस एक चीज और दिखाता हूँ, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे इस वीडियो को जब तक हमारा प्रॉफिट नहीं हो जाता, राइट। तो क्योंकि अब मैं उसी टाइम दिखाऊंगा, अभी मैं यहाँ दिखाने लगूंगा थोड़ा सा आप बोलोगे गाइस बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, और मैं देख लेता वीडियो कितनी बड़ी होगी, 7 मिनट की ऑलरेडी हो चुकी है, तो 10 मिनट्स में हम अपने ट्रेड्स को कंक्लूड कर देंगे, राइट। थोड़ा टाइम लगेगा, इट्स टेक अ टाइम, बिकॉज अभी 10:46 हुए, तो अभी लेट इट बी 12 o'clock के अराउंड अपना प्रॉफिट आराम से बुक हो जाएगा, राइट। अभी प्रॉफिट कैसे आप देख लीजिए लास्ट टाइम 175। अब नेचुरली एक चीज और दिखा देता हूँ फॉरेक्स चार्ट में, और उसके बाद मैं एनालिसिस दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने फॉरेक्स में भी उसमें ट्रेड नहीं लिया था, बट मैं आपको बता देता हूँ गाइस। ये नेचुरल गैस का सिल्वर कॉम का चार्ट है 1 डे टाइम फ्रेम पे, राइट। तो मार्केट अच्छा खासा डाउनवर्ड चल रहा था, अभी मार्केट ने कंसोलिडेशन लिया इस दो जोन के अंदर में, दैट इज अ रेसिस्टेंट सॉरी 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 माय सॉरी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट जोन, राइट। तो मेरे को कल रात को से बाय आउट करना था इस लेवल पे, बट ये कल रात की जो कैंडल है बहुत ही हैवी बनी, और अगर मैं भी ट्रेड करने निकलूँ तो मेरा जो ट्रेड एक्चुअली के अंदर बहुत रिस्क रह सकता है गाइस। नियर बाय मेरा स्टॉप लॉस इधर रहेगा और टारगेट मेरे पास में इधर रहेगा। अगर मैं इंडियन मार्केट्स की बात करूँ तो मेरा जो टारगेट है नियर बाय अबव के सेक्शन पे रह सकता है, इजिली ट्रेडेड है, बट यहाँ अगर मैं एक्चुअली मैं अपना लॉस और ये चीज़ देखूँ ना, तो मेरा आर आर रेशियो पूरा ही बर्बाद हो जाएगा अगर मेरा एसएल हिट हो जाता है। तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ 20 पॉइंट्स का एसएल रख के चलना पड़ सकता है, 20 पॉइंट इंटू आप 1250 भी करते तो नियर बाय आपके 24,000 रुपये के राउंड ऑफ आपको अच्छा खासा झटका, मतलब 25,000 का राउंड ऑफ झटका लग सकता है। बट मैंने क्या सोचा कि मेरे को छोटा टाइम फ्रेम चाहिए, तो मैं आज की कैंडल्स को इसलिए मैंने कहते हैं इसके अंदर में ट्रेड नहीं किया, वरना मैं अच्छा खासा ट्रेड कर सकता था नेचुरल गैस के अंदर में। देख सकते हो, अब देखो आप इधर देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन है, आप देखो या तो बाय कर सकते हो सेल कर सकते हो, इस जोन के अंदर आप बाय सेल नहीं कर सकते अच्छे से, राइट। कंफ्यूज होता है मार्केट ने लास्ट किस दिया, बुलिश इंक्लिफिंग दिया, अभी बुलिश इंक्लिफिंग इतनी हार्ड है कि मैं चाह करके भी अपना ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करता हूं, तो मैं थोड़ा डर सा रहा हूं कि मैं लूं नहीं लूं, बट आई नो गाइस आप इस वीडियो को जब देखोगे और इस अपने प्राइस को मिला के देखोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। मैं आपको क्रूड ऑयल भी दिखाता हूं, लास्ट वीडियो में क्रूड ऑयल का जिक्र किया था जिसमें मैंने खुद ट्रेड लिया, पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज आई वॉज ट्रेवल दैट टाइम, राइट। तो उस समय ट्रेवलिंग कर रहा था तो उस टाइम नहीं कर पाया रिकॉर्ड, बट मैं आपको क्रूड ऑयल का दिखा देता हूं, राइट गाइस। आप देख सकते हो अपना क्रूड ऑयल का ये प्राइस अच्छा खासा ट्रेड है, ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर में था, पूरा कंसोलिडेशन जोन में था, दैट इज योर असिस्टेंट, दैट इज योर सपोर्ट इन द 2 आवर टाइम फ्रेम ऑफ द क्रूड ऑयल, राइट। मैंने पूरा वेट किया इस पूरे जोन में, मैंने ट्रेड ही नहीं किया, मतलब 11 से लेकर के पूरे फरवरी के अंदर में, अब तो फरवरी नहीं आया तो मैंने ट्रेड नहीं किया, मैंने ट्रेड गाइस इस लेवल पे लिया। देखो लास्ट केस मुझे मिला प्रॉपर लास्ट केस विद बुलिश एंड क्लिफिंग, अब मेरे पास में क्या है कि ना अब इतना ऊपर आने के बाद में लोग सोचते हैं यार क्या पता लॉस हो जाए, और मेरा स्टॉप लॉस नियर बाय गाइस इसके आधे में रहता है, और मेरा 1:1 का ट्रेड रहता है जो कि मेरा एक्चुअली में कल ही पूरा हुआ है। अब देख लीजिए टाइम 19:30 को पूरा हुआ है, 3 तारीख और आज 4 तारीख, आज 5 तारीख, परसों पूरा हो गया था मेरा ट्रेड, और इस तरीके से हमने ट्रेड लिया। अभी भी गाइस देख लीजिए मैंने एक और जोन बना के रखा था, उस जोन को मार्केट ने तोड़ा, बट अच्छा खासा मेरे कोई भी लेवल यहां से नहीं दिया जो मैं बाय कर सकूं, तो ये जोन तो मेरे लिए जा चुका है एक तरीके से, बट कहीं ना कहीं काफी अच्छा जोन अबव के लेवल पे। बट मैं अभी आपको दिखाता हूं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम पे कि कहां तक क्रूड जा सकता है, जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन है, फिर वहां जाकर हम शॉर्ट कर सकते हैं क्रूड को अच्छे खासे, और अभी डेटा भी हमारे अनुकूल नहीं है, राइट। अगर गाइस अभी देखेंगे आप तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपके लिए, यहाँ कंसोलिडेशन जोन था वीक टाइम फ्रेम के ऊपर, तो 2019 से 2020 तक पूरा कंसोलिडेशन जोन में रहा क्रूड ऑयल, और फिर 2000 इसके बाद में मार्केट ने क्या बुलिश दिखाई 24 फरवरी को, उसके बाद में मार्केट ने अच्छा फ्री फॉल देखने को मिला, दैट इज द लास्ट केस ऑफ ट्रेड, राइट। तो आप ऐसे ट्रेड करते हो, अभी यहाँ है मार्केट, अब अप्रॉक्सीमेटली आप देखे चलिए मार्केट इससे पहले कोई जोन आपको नहीं दिख रहा होगा, तो लेट इट बी गाइस $65 इज अ वेरी मीन वैल्यू फॉर अस राइट नाउ, वी कैन से दैट कि मार्केट में मीन वैल्यू आराम से रह सकता है 65 का, कि $65 तक मार्केट हार्डली नहीं बहुत आराम से चला जाएगा, राइट। तो जब चला जाएगा तो हमारे को यहाँ शॉर्टिंग नहीं सोचनी चाहिए, बाइंग सोचनी चाहिए जब भी मौका मिले तो, ठीक है, क्रूड ऑयल में और एनजी के अंदर में। बाकी और किसी में मैं कुछ कहना चाहता हूं, बिकॉज मेरा ट्रेड चल रहा है तो उस पर फोकस करते हैं, बाकी इस वीडियो कंक्लूड करेंगे आफ्टर सम टाइम, राइट, बिकॉज हमने बहुत अपना लेजिटमेट अपना प्रॉफिट लॉस लिया, राइट। तो गाइस अभी मेरा इतना जो भी प्रॉफिट लॉस है मेरा भी चल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि मार्केट अभी स्टेबल है, राइट, मार्केट अभी स्टेबल है, अभी मार्केट के अंदर कुछ नहीं है, कोई बड़ा मूव नहीं है, कोई छोटा मूव नहीं है, अभी मार्केट को अच्छे खासे मार्केट को अपने ऊपर छोड़ देना चाहिए, राइट, और मार्केट को थोड़ा सा वेट और थोड़ा गैप देना चाहिए, यू शुड गैप अप दैट मार्केट और गैप डाउन द मार्केट ऑल दिस, मार्केट को थोड़ा सांस लेने दो, सांस लेने देंगे इतने अपना प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा। नेचुरल गैस को देख लेते, जो मैंने आपको बोला अगर मैं नेचुरल गैस को अगर अभी बाय आउट करता हूँ गाइस, राइट ना, अभी बाय आउट की अभी पोजीशन मेरे पास में आई है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं अभी बाय आउट करता हूँ तो गाइस नियर टू नियर बोलूंगा कि मार्केट मेरे पास में ये वाला लेवल है, राइट, और इस लेवल पर अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ एनजी के अंदर में, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गाइस बहुत भारी है, बिकॉज मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कहीं ना कहीं इस लेवल पे 25 पॉइंट्स के टारगेट्स के ऊपर बैठा रहूंगा बाय करने के लिए नियर बाय 1:1, ठीक है। तो ये 1:1 का जो रेशियो है ना मेरे लिए वो बहुत हैवी साबित हो सकता है मेरे अकाउंट के लिए भी और मेरे लिए भी, तो इसलिए मैं इस टाइम पे इस पे ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। मैं छोटे स्केडलिंग ट्रेड कर सकता हूँ, बट यहाँ कहना मुश्किल है, क्योंकि यार मैं अगले 4 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट बाय करके नहीं रख सकता, नीड टू डिफेंड, राइट। बाकी भी देखते हैं, लेट्स सी गाइस, जैसे कुछ होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो स्टे ट्यून, लास्ट टाइम देख लीजिए क्या चल रहा है अपना, ठीक है। तो स्टे ट्यून गाइस, तो गाइस वेलकम बैक, मैं जस्ट अभी थोड़ा किसी काम से आया हुआ था, राइट। तो मैंने भी देखा मार्केट को थोड़ा सा वॉच आउट किया, तो गाइस अभी इस हिसाब से अगर देखें तो मार्केट अभी थोड़ा सा इस लेवल को तोड़ चुका है, ऊपर आ चुका है, ये इंडिकेशन देता है अपने को कि आपको एग्जिट हो जाना चाहिए ट्रेड से, बट मैं स्टिल फिर भी होल्ड करके रखा है नियर बाय इस लेवल के आसपास, थोड़ा सा ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है नियर बाय, क्योंकि अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो नियर बाय वो इस लेवल तक जाएगा और माइट बी पॉसिबल वो वहाँ से रिट्रेसमेंट ले भी ले, राइट। तो यहाँ मेरा कर्तव्य क्या बनता है, क्या मैं निकल जाऊँ, देखो अगर देखें तो मेरा आर आर रेशियो के अकॉर्डिंग तो मेरे को लॉस बहुत थोड़ा होना चाहिए एक तरीके से, मतलब मेरा 1500 से 1400 के बीच में लॉस चल रहा है, राइट, 1500 से 1400 के बीच में लॉस चल रहा है।
तो यहाँ अगर मार्केट अगर कुछ तो कोई 2 आर का चार्ट है सिल्वर का, तो ये अभी अपने को होल्डिंग के लिए अगर मैं रखूँ तो थोड़ा रिस्की तो बहुत ज्यादा है राइट, रिस्की तो काफी ज्यादा है। तो अभी हमने को क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए, वेट करना चाहिए? ऐसे टाइम पे आपकी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है राइट। अगर स्टॉप लॉस हिटने का जब तक आप बैठे रहोगे, बट टारगेट हिट नहीं होता इतना आप कभी नहीं बैठते। आपको अगर यही रिवर्स में 1500 से 2000 के बीच में अगर प्रॉफिट चल रहा होता ना, तो आप आराम से 2 मिनट में अपना एसएल ट्रोल करते हैं ऑल इन ऑल इन ऑल राइट। बट अभी आपको करना क्या, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, आपको करना क्या कर रहे हो अभी इस टाइम पे, आपको करना क्या? देखो आइदर टू बी वेट फॉर दिस लेवल, जैसे इस वॉल्यूम में जिस तरीके से रिजेक्शन देकर के मार्केट उठा है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि फेक ब्रेकआउट हमने ट्रेड किया राइट। तो अभी मैं प्रॉफिट लॉस दिखाता हूं, मेरा भी कर्तव्य क्या बनता है, मेरे को इस ट्रेड में निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए, मैं थोड़ी देर और वेट करूंगा। अगर ये लेवल देखो 26.6 का लेवल अगर तोड़ देता तो नियर बाय फिर यहां से एग्जिशन निकलना ही निकलना पड़ेगा, वरना फिर अपना अच्छा खासा फिर अपने को 1:1 मतलब 1% का हमने फिर यहां सिर्फ रिस्क लिया है। जब भी ऐसा काम होगा, जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट दे समहाउ लाइक मार्केट गिव द रिट्रेसमेंट ओवर एंड मार्केट अगर अच्छा खासा ना गिरे, तो आपका कर्तव्य एक चीज बनता है कि मार्केट अगर ऊपर ये जिस लेवल से आप ले रहे हो उस लेवल को ऊपर क्रॉस कर चुका है, तो आप उधर एसएल मत रखिए। एसएल हमेशा सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 प्लस सपोर्ट प्लस, तो वो पॉइंट होता है आपका एसएल। तो ये मेरा एसएल उस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया राइट राइट गाइस। तो अभी मेरे को क्या है कि मेरे को किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से नहीं, तो मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। तो मैं अभी आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ लेके चलता हूं राइट। तो गाइस ये अपना चार्ट चल रहा है, नियर बाय यहाँ इसके ऊपर अपने ने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है। अगर आप देखेंगे होल्डिंग नहीं पोजीशंस तो 1965 से 2035 के राउंड अप है, और मेरा अगर आप ऑर्डर देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने ऑर्डर रखा हुआ है, ट्रिगर प्राइस अगर एलटीवी की बात करूँ 68200 के ऊपर अपने पास रखा हुआ है ठीक है, 68200 के राउंड अप मैंने रखा हुआ है, मेरा पोजीशन अभी के टाइम पे 2000 के ट्रोल कर रहा है। अगर यही मेरा देखो, अगर मैं 2,70,000 से 2,70,000 तक मैं यहाँ वेट कर सकता हूँ गाइस, इवन दो अदरवाइज मैं इसको निकाल दूंगा राइट, बिकॉज मैंने एक स्पाइक ना जाए, गलती से स्पाइक ना जाए, इसलिए मैंने एक ऑर्डर ऑलरेडी पंच किया हुआ है राइट, एक ऑर्डर ऑलरेडी मैंने पंच किया हुआ है राइट। आप देख सकते हैं तो अभी अपना प्राइस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, प्राइस वाज दैट पर्टिकुलर थिंग्स, क्योंकि मार्केट के अंदर में क्या जो लेवल में सोचे चल रहा था ना, उस लेवल को मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो आई फील कि मार्केट शायद हो सकता है कि आज थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा दे, बट मैं एक ट्रेड ही पर डे करता हूं, तो ओवर ट्रेड नहीं करूंगा मैं इसे निकालने के चक्कर में। ये लेवल मेरे लिए रह सकता है एक इंपॉर्टेंट लेवल, जहां से मार्केट रिट्रेस हो जाएगा 2 बार चार्ट राइट, 2 बार चार्ट में देख लेते हैं और यहां लाइन चार्ट यूज कर लेते हैं राइट। कहीं ना कहीं ये वाला लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर लेवल 6800 का है, मतलब 400 से खरीदा है 6800 में 600 पॉइंट्स अप्रॉक्सिमेट 3000 तक का रिस्क लेके चल रहा हूँ ऊपर से, मतलब अपनी कॉस्ट से ऊपर मतलब 60 रुपये और ऊपर, तो इधर तक मैं लेके चल रहा हूँ, तो माइट बी पॉसिबल इधर से एक रिट्रेसमेंट अपने को अच्छा खासा हैवी रिट्रेसमेंट डाउनफॉल का दिखे। वॉल्यूम भी अपने पास में अप्रॉक्सिमेटली 7 ही थी, बट फिर भी मार्केट अप एंड अप्स चल रहा है, तो अभी वेट करते हैं गाइस। अगर कुछ अच्छा मूवमेंट मुझे दिखता है ना शॉर्टिंग का, तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, अदरवाइज तो देखो अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है इसके अंदर में फिलहाल, क्योंकि मार्केट अप एंड अप चल रहा है, तो हाई टाइम फ्रेम तो काफी डाउन ट्रेंड पे है, बट थोड़ा सा तो वेट करना ही पड़ेगा अपने राइट। तो स्टे ट्यून गाइस, जैसे कुछ होते हैं मैं आपको बताता हूं, बाकी ये छोटा सा ग्लिम्स जो आपको बताना चाहता था, वीडियो कितना बन गया 4 मिनट का ज्यादा नहीं बनाएंगे राइट, तो स्टे ट्यून गाइस। तो गाइस मैं भी इसे निकाल रहा हूं राइट, ज्यादा मैं होल्ड नहीं कर रहा अभी से, मैंने ऑर्डर तो लगाया था, बट मैं सोच रहा हूं कि इस लेवल पे आसपास जो मुझे लग रहा है 60 का था अप्रॉक्सिमेटली, 60 तक आ गया है, तो मैं अभी ज्यादा होल्ड नहीं करूंगा इसे राइट। तो अभी निकालेंगे इसे भी हम, एक मिनट में थोड़ा वेट कर लूँ, देख लूँ एक चीज़ मैं देख रहा हूँ राइट, फिर ज़्यादा वेट नहीं करेंगे बिकॉज कहीं ऐसा ना कि अच्छा खासा स्पाइक दे जाए और तगड़ी वाली चीज़ हमें गिफ्ट में दे जाए, तो वो हमें रिस्की हो जाएगा राइट। तो लास्ट 1 आवर 51 मिनट्स अभी बाकी है अपने पास में इसमें, तो इतने देर तक तो होल्ड करना इज लाइक नेवर टू पॉसिबल, बिकॉज यहाँ ज़्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंटरवल्स सबको अगर मैं बताऊँ, तो ये इंपॉर्टेंट इंटरवल्स हैं आपके माइनस सपोर्ट लेवल्स हैं, और अभी देखेंगे आप रिट्रेसमेंट देखे बेरिश बुलिश निकलेंगे, तो यहाँ से गाइस निकलना पड़ेगा अभी राइट। तो ये अभी ज़्यादा ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर जा सकता है, माइट पॉसिबल इसे देखकर कि थोड़ा नीचे आ जाए, वो इसी लेवल के आसपास आएगा, तो हमें ज़्यादा वे अब ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इधर से ऊपर हमें मतलब नीचे वेट करना चाहिए किसके नीचे आएगा, तो स्टिल आई विल रिमूव माई आई एग्जिटेड टू फ्रॉम माई ट्रेड राइट गाइस। तो स्टे ट्यून, आपको दिखा देता हूँ कि एग्जिट कर रहा हूँ मैं आपके सामने राइट। तो गाइस ये मेरा पोजीशन है, और वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी है, तो कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले तो मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ ठीक है, कैंसिल कर दिया राइट। तो एक ऑर्डर मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया नियर बाय, ओके ये बाय वाला ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिया है, और नियर बाय 900 तक आ चुका है प्राइस, 981 अराउंड ऑफ चल रहा है ओके। तो अभी निकालते हैं गाइस इसको भी, हम ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करेंगे, तो नियर बाय 1% तक का रिस्क लिया था, तो हमने निकाल दिया ठीक है, हमने अपना लॉस बुक किया है, बिकॉज गाइस अभी आपको मैं एनालिसिस दिखा देता हूँ ठीक है। लेटेड भी अपना हो गया आप काफ़ी लोग बोलेंगे, मैं अगर ऑर्डर चेक कर लेता हूँ, कोई पेंडिंग ऑर्डर मेरे पास नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूटेड है सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड राइट, एग्जिट एंड एग्जिट राइट, तो ऑर्डर कोई पेंडिंग नहीं मेरे पास में स्टिल राइट। ये तो गाइस एक कूच कर गया, काफ़ी ऊपर तक चला गया, तो ये ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे को थोड़ी सी नज़र रखनी होती है राइट। मेरा स्टॉप लॉस बहुत आराम से वो लेके जाता, बट एक थोड़ा सा आप बोल सकते हो गाइस आराम से हमारा स्टॉप लॉस नियर बाय 200 के ऊपर था, तो हमने 100-300 पॉइंट्स डाउन पे निकाल दिया। अगर हम बात करें तो अपने कितना लॉस इसमें सेव किया अपना राइट, तो मैं आपके सामने दिखाता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली जो हम लॉस की बात करें तो हमने 300 पॉइंट्स अपने बचाए हैं, तो राइट अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपये हमने अपने बचा लिए, और अभी जो लॉस हुआ अपने को आप देख सकते हो 2500 के राउंड ऑफ हुआ, तो मतलब मेरा 1% के राउंड ऑफ हुआ, जो कि मेरा कैपिटल डैशबोर्ड पे आपको दिख जाएगा 2,67,000, तो नियर बाय मेरा 1% तक का लॉस मैंने बियर कर लिया, जो मेरा स्टॉप लॉस एंड ऑल था, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा ऊपर जा सकता है। अब यहाँ से वॉल्यूम में देख सकते हो, अचानक से वॉल्यूम में भी चेंजमेंट आया, तो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है ऊपर के लेवल पे, तो यहाँ से अब ट्रेड लेना थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं बनता, बिकॉज यहाँ से ऑलरेडी रैली जा चुकी है राइट। तो अभी कहीं ना कहीं वो किस लेवल तक आ सकते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि उसके लेवल क्या, क्योंकि मेरा ट्रेड हो चुका है 1% इनफ फॉर द डे, तो ज़्यादा मैं लूँगा, क्योंकि आज वीक का एंडिंग है, तो बिना फालतू में कहीं ऐसा ना हो कि लॉस लॉस हो जाए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा राइट। इस ट्रेडिंग के अंदर ना सीखने के लिए अपनी गलती जरूरी नहीं कि अपनी गलती कर, बोला था ना आपको
ये वाला लेवल मैंने अभी जस्ट अभी देखा, तो मैंने इसलिए अभी जस्ट आपको निकाल दिया, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा वेट करता तो नियर बाय मुझे अच्छा खासा झटका और तेज़ी से लगता, जो धीरे का झटका जोर से लगता, ठीक है। तो ये अभी चांसेस है कि इस लेवल तक बहुत आराम से जाएगा, स्क्रूट करके जाए या सीधा स्पाइक ले जा सकता है। तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करने वाला, मैं बिना फालतू में कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम पड़ जाए। तो अभी मैंने निकाल दिया अपना रेट राइट, तो ये मैं एक एनालिसिस दोबारा आपको बता देता हूँ राइट। तो पहले तो मैं 2R की चार्ट फ्रेम में लेकर चलता हूँ राइट। 2R की चार्ट फ्रेम में अगर आपको लेकर चलता हूँ तो उसके अंदर आपको एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी राइट। देखो प्रॉफिट लॉस चलते रहते हैं, आज मुझे लॉस हुआ कल मुझे प्रॉफिट होगा, तो जब मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ तो 2 गुना ले रहा हूँ, जब लॉस ले रहा हूँ तो सिर्फ मैं 1-2% ले रहा हूँ, पर प्रॉफिट लेने जा रहा हूँ तो मेरा लाइक अप्रॉक्सिमेटली 2% या 3% या अप्रॉक्सिमेटली क्योंकि 10% का प्रॉफिट भी रहता है मेरा राइट। जो आपने देखा भी जनरल राइट। तो ये देखिए आप, ये जोन, ये जोन एंड ये जोन, ये जोन, ये बड़े बड़े जोन आपको देखे, ये जो बीच का जो लेवल है ना, इस लेवल के आप अगर माइनर जोन है, दैट इज योर माइनर जोन, क्या है इंटरमीडिएट या माइनर जोन आप बोल सकते हो, जहाँ से मार्केट अभी रिजेक्ट हो रहा है राइट। ये 2 टाइम फ्रेम का शार्ट फ्रेम है राइट। बट अगर यहीं देखें कि मार्केट के अंदर में लॉन्गर टाइम फ्रेम का चार्ट देखें, जो कि 1 डे का चार्ट होता है, तो 1 डे का टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँगा इस, तो 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर आपको अच्छे से दिख रहा है यहाँ से सिल्वर के अंदर में एक अच्छी खासी, तो एक ये मिल रहा है आपको और एक आपको यहाँ मिल रहा है। इससे पहले कोई भी आपके पास माइनर जोन नहीं है, कोई भी, ये 2 मेजर जोन है। आप यहाँ बीच में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ना, थोड़ा सा रिस्की है, तो आपको 4 आवर टाइम फ्रेम है ये आपको लेकर के चलना पड़ेगा राइट। तो ये मैंने जोन बनाया था अपने लिए, जो कि मेरे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज के लिए तो प्रॉब्लम हो गया, हाइक में चला गया, कल मे माइट भी पॉसिबल कि ये दोबारा रिट्रेस करें, तो मैं दोबारा यहाँ से शॉर्ट करूँगा। बट जो मेरा कल का लॉस हुआ है उस लॉस, मतलब जो आज का लॉस हुआ है, रिकवर जरूर डेफिनेटली मुझे करना है। मेरी यहाँ गलती क्या हुई, आप प्लीज़ देख लीजिए कि ब्रेकआउट पर ट्रेड कैसे करते हैं। समटाइम्स हैपन कि आप लॉस हो रहा है, तो आप ये मतलब नहीं कि आप नहीं बता सकते, मैं बता सकता हूँ, बिकॉज मैं मेनी टाइम ब्रेकआउट पर ट्रेड किया राइट। गाइस लॉस बिहाइंड द ट्रेड क्या है कि ये कैंडल, इस कैंडल को मैंने देख तो लिया, बट इस कैंडल में मैंने एक चीज नहीं देखी, मैंने इस कैंडल में एक चीज देखी, प्राइस एक्शन को फॉलो तो किया मैंने बहुत प्रॉपरली, बट इस कैंडल को मैंने एक चीज नहीं देखी, इस कैंडल ने एक नीचे रिजेक्शन भी है, और बस एक चीज और की गई, इसके अंदर में काफी अच्छा हैवी वॉल्यूम नहीं है। अगर जब भी आप ट्रेड करते हो अपनी लाइफ में, तो आपके पास में जब जिस कैंडल पर आप एंट्री ले रहे हो उसमें वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए गाइस, मार्क माय वर्ड। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि 2 आवर टाइम फ्रेम के अंदर में एक कोई भी पर्टिकुलर चार्ट ले लेता हूं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने अगर हैवी वॉल्यूम की मैं बात करना क्या चाहता हूं। लेट सपोज मैं आपको एक जोन दिखा देता हूं, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट वेरी वेल। ऐसे अगर आप ये वाला देखो, ये जोन आपको दिख रहा है अच्छा खासा, ये जोन है 2 आवर टाइम फ्रेम में, और ये इसका रेसिस्टेंट लेवल है जहाँ से 2 पॉइंट्स मार्केट गया राइट। अभी देखो मेरे को यहाँ से बाई करूंगा, यहाँ से नीचे सेल करूंगा और ऊपर से बाई करूंगा राइट। तो मेरे को बाई करने के लिए लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी पंच कर देते हैं अपना ऑर्डर इसके ऊपर, बट मेरे को इस कैंडल का मतलब नहीं है, आई नीड अ प्रॉपर एंड प्रॉपर कंफर्मेशन राइट। तो ये आया छोटा सा कैंडल, ये रिजेक्शन हुआ फिर बुलिश, तो मेरे को ऐसी बड़ी कैंडल्स पर ट्रेड करना चाहिए राइट। इवन दो मैंने, ठीक है ये गलती है अपनी, वो क्योंकि मेरे को ट्रेड खोना नहीं था, क्योंकि मेरे को काफी देर से ट्रेड नहीं किया था, तो ट्रेड मान के चलो कि वो ट्रेड करना था, इसलिए लगा हुआ था मन में किया ट्रेड करते ट्रेड करते ट्रेड करते, तो इस चीज़ की वजह से आप बोल सकते हो। वरना आप देखो ये मेजर लेवल, ये माइनर लेवल है राइट, एक समहाउ एक अच्छा खासा एक माइनर लेवल है 2 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, बहुत ही प्यारा, बट यहीं से मार्केट रिजेक्ट दे रहा है, मार्केट ने कहीं ना कहीं यहीं से काफी लोगों के रिजेक्शन हो गए, मार्केट फिर नहीं चलेगा। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप इधर से ट्रेड ना लो, आपको ट्रेड लेना है तो भाई इसके नीचे ट्रेड लो राइट, और नीचे लेना हैवी वॉल्यूम होनी चाहिए, जो हमने गलती कर दी। काफी लोगों ने इस वॉल्यूम पर ट्रेड किया हुआ इस ब्रेकआउट को देखकर, पर मैंने नहीं किया, क्यों नहीं किया, बिकॉज आई नीड द लास्ट केस ऑफ दिस ट्रेड, तो लास्ट केस मिला बट वॉल्यूम नहीं था, तो उसकी वजह से मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट होना पड़ा ठीक है, मतलब एग्जिट होना पड़ा। अब जो चीज़ है वो चीज़ है गाइस, अब इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते हो राइट, बिना फालतू में इतना ज्यादा हैवी बड़ा लॉस हो जाता तो कोई फायदा नहीं पड़ता राइट गाइस। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी आप चेक कर सकते हो अपने उसको, तो यहीं से आप रिजेक्शन मिल रहा है राइट, इसी लेवल से रिजेक्शन मिल रहा है मार्केट, तो इस लेवल से रिजेक्शन मिल रहा है तो मार्केट कहीं ना कहीं डाउनफॉल दिखा सकता है राइट। तो ये तो 1 टाइम फ्रेम का अच्छा खासा चार्ट मिल जाता है, बट 1 टाइम फ्रेम में हम बड़े मेगा लॉट्स को ट्रेड नहीं कर सकते राइट। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड, आपको प्रॉफिट लॉस करता हूँ, तो काफी लोग बोलते सर आप तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट करते हो, लॉस नहीं करते। देखो गाइस मैं लॉस चल रहा मैं बोलूँ, तो मैं जनरली जब भी मेरे को अगर कंफ्यूजन होती है मैं मिनी लॉट्स पे ट्रेड करता हूँ। टू बी फ्रेंक, अभी मैंने इसमें कितने पॉइंट्स का लॉस खाया, मेरे का टाइम कितना होगा 8 मिनट, इसमें मैंने लॉस कितना खाया नियर बाय आप देखोगे तो 25-20 डिवाइडेड बाय आप देख लो 5 रुपये, मतलब मैंने 504 रुपये का लॉस किया। अगर मैं यहीं 3 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ मेगा में, तो मैं अप्रॉक्सिमेटली 15,000 का लॉस होता राइट, 15,000 का लॉस होता, और मेरी कैपिटल है 270,000 रुपये, 270,000 डिवाइडेड बाय 15,000, सॉरी 15,000 डिवाइडेड बाय 270,000 में करूँगा, तो नियर बाय इनटू 10%, तो नियर बाय मेरे पास में अप्रॉक्सिमेटली मेरी कैपिटल का 5% आ रहा है, और मैं 5% पर रिस्क नहीं ले सकता, मैक्सिमम रिस्क मेरा 2% का रहेगा, इसलिए मैं उतनी कैपिटल यूज करता हूँ जितना मेरा 2%, अगर 15,000 में यूज करूँ तो मेरा 2% 15,000 होना चाहिए अप्रॉक्सिमेटली। मैं अगर बात करूँ तो 15,000 मेरा कितने पे होगा, 3 लाख के अराउंड ऑफ मेरा 2% होगा मेरा 15,000 ठीक है। अब देख लेते हैं 15,000 रुपये, सॉरी 15,000 रुपये डिवाइडेड बाय इज 2 एंड इनटू 100 राइट, दैट इज इसका अगर मैं 2% निकालूंगा ना तो हमारे पास 15,000 ठीक है, 7.5 लाख रुपये होने चाहिए मेरे पास में अगर मेरे को 15,000 का लॉस करना है, तो ऐसे आपको कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता राइट। बट अभी मेरे को स्टिल अभी प्रॉफिट हो चुका है, लॉस हो चुका है, तो मैं डन फॉर द डे, मैं ट्रेड नहीं करने वाला, अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को भी नहीं देखने वाला, बिकॉज दैट इज अ साइकोलॉजी ऑफ द मल्टीपल ट्रेडर हु हैज टू बी द वेरी गुड इनसेन एंड ऑल राइट, आपके पास में होते नहीं होते। बट ये डिस्क्लेमर है गाइस, आपको ब्रेकआउट पर ट्रेड करने के लिए लाइव लॉस बोल लो या लाइव कुछ भी बोलो, बट जो गलती मैंने करी फिर इस गलती से सीखना जरूर कि आपने गलती इसमें करी क्या राइट। मैंने इसके अंदर में एक छोटी सी गलती ये करी है, गलती ये करी है कि इसके अंदर मैंने प्रॉपरली वेट नहीं किया, नो दैट इज नॉट माय मिस्टेक। अभी देखो गाइस अभी मार्केट काफी ज्यादा हाई आ चुका है, डजंट मीन काफी लोग बोलते हैं कि काफी ज्यादा हाई आ चुका है नेशनल गैस अब गिरेगा, नहीं गाइस ये मत समझिए, आप मार्केट का ट्रेंड समझिए, ट्रेंड क्या है, मार्केट ट्रेंड डाउनवर्ड है, देखिए अब ये देखिए राइट डाउनवर्ड है, अब यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट दिया मार्केट को बुलिश लेते हैं कि आपको ऐसा कैंडल नहीं दिखाया, हरकत नहीं दिखाई, इसमें बाय कर सकूँ राइट। 30 मिनट का चार्ट फ्रेम है, अगर मैं इसी टाइम फ्रेम को 1 आवर का ले लूँ तो 1 आवर के पास में तो मेरे को अच्छा खासा बुलिशनेस है, तो मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ, नियर बाय मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट मिल रहा है, और मेरा कॉस्ट का रहेगा नियर बाय इस लेवल पर ठीक है, मेरा 2.65 का वो है स्टॉप लॉस है, और 1:1 का मेरा ट्रेड रहेगा नियर बाय ये देखो ठीक है। तो ये आपके सामने है, सारी चीज़ें आपके सामने ठीक है, और वॉल्यूम भी आपके साथ में है, तो वॉल्यूम भी आप ट्रेड कर सकते हो, बट आप ट्रेड कर सकते हो, मैं ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ अपने लॉस, में ज़्यादा और ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा, ओवर ट्रेडिंग करना इज लाइक रिस्क योर कैपिटल राइट। ये देखो मेरा एसएल बहुत आराम से खाता है, बहुत आराम से मेरा एसएल खा के जाता है राइट,
फिर सिल्वर का हो गया, क्रूड का बताता हूँ। क्रूड का अब देखिए, टू आर टाइम फ्रेम, लाइन चार्ट वी विल यूज़। लाइन चार्ट का यूज़ करिए नहीं, कोई फायदा नहीं, क्रूड में तो कोई चार्ट ही नहीं है। निकल की मैं बात कर लेता हूँ, निकल तो एज वेल अपने को अच्छा खासा डाउनवर्ड था कल रात को, आज अच्छा गैप अप खुला है विद अच्छा खासा डाउनफॉल के अंदर में देखने को मिला है, राइट निकल को। अभी अगर देखिए तो निकल अच्छा खासा अपसाइड में, तो अब यहाँ से ट्रेड करना पॉसिबिलिटीज ही नहीं, आपको यहाँ से उसका चार्ट देखना पड़ेगा, फॉरेक्स का चार्ट देखना पड़ेगा। जिंक, जिंक इज अ वेरी गुड इनफ, कुछ दिनों में मैं मेक श्योर जिंक में एक पोजीशन ट्रेड लेने वाला हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, एक सरप्राइज होगा आप लोगों के लिए, उसमें मैं अपना ये लॉस तो बहुत आराम से इसका 4-5 गुना मैं लॉस रिकवर कर लूँगा अपने उसमें से, राइट। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, आप देख सकते हैं, अगर आपको स्टिल लगता है कि यार ये बंदा से सिखा सकता है अपने को रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल एंड ऑल, तो आप मेरे को नीचे लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक नंबर मिल जाएगा, आप उधर कॉल कर सकते हैं, या राइट हैंड साइड आपको क्या बोलते हैं सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। एंड ऑल, अगर आपको अच्छा लगे हमारा स्टफ तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो डोंट थिंक कि मैं इधर आपको कुछ ट्रेड लेने के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज टेक ओनली द एजुकेशन वीडियो गाइस, डोंट बी थिंक कि यार मैं मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए ही हूँ, प्रॉफिट भी होते लॉस भी होते, बट डिफाइन कर आपको लॉस कितना लेना है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया मुझे लॉस इतना लेना है, तो मतलब इतना लेने से ज्यादा मैं नहीं जाना, तो मैंने डिसाइड करके रख लिया, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डेटेड ऑफ अगेंस्ट GD4B, थैंक यू सो मच गाइस।